लद्दाख के रहने वाले सोनम वांगचू एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, जिनको ध्यान में रखकर थ्री इडियट्स के फुंगसुक वांगड़ू का किरदार लिखा गया। इनका स्कूल इनोवेशन के लिए जाना जाता है और इनके आइस स्तूपा को 2016 में रोलेक्स अवार्ड भी मिला, जिसमें करीब 67 लाख रुपीस प्राइस मनी था और इन्होंने वो पूरा पैसा एक नई यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए डोनेट कर दिया। तो कौन है ये और क्या है इनकी कहानी, चलिए देखते हैं। कहानी शुरू होती है सोनम के इंजीनियरिंग के दिनों से। सोनम को मैकेनिकल ब्रांच चूज करना था और उनके पिताजी उन्हें सिविल लेने के लिए मजबूर कर रहे थे, तो सोनम ने तय किया कि वो अपनी इंजीनियरिंग की फीस के पैसे खुद कमाएंगे और अपनी सेमेस्टर की छुट्टियों में उन्होंने ट्यूशन सिखाना शुरू कर दिया, इस उम्मीद से कि वो अपने एक साल की फीस भर सकें। पर सोनम के पढ़ाने का तरीका बच्चों को इतना पसंद आया कि बहुत जल्दी बहुत बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ने आने लगे और उन दो महीनों में सोनम ने न केवल एक साल की फीस बल्कि चार साल की फीस जमा कर ली अपने ट्यूशन के पैसों से। ऐसे शुरू हुई एक जर्नी जो आज हजारों लद्दाखी बच्चों को शिक्षा देने के साथ उनकी ज़िंदगी भी बदल रही है। 90s में लद्दाख के हर 100 बच्चों में सिर्फ 5 बच्चे मेट्रिकुलेशन पास कर रहे थे। सोनम ने अपनी इंजीनियरिंग ख़त्म करके वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की ठान ली और अपने कुछ दोस्तों के साथ सेकमॉल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया और वहाँ के गवर्नमेंट की मदद से क्यूरिकुलम को वहाँ के रीजन के लिए ज़्यादा रेलेवेंट बनाया और स्कूल्स में लोकल पब्लिक को भी इन्वॉल्व किया। देखते ही देखते 7 साल में पास होने की परसेंटेज 5 से 55 हुई और 2015 तक 75% हो गई। सोनम इससे खुश तो हुए पर 25% बच्चे अभी भी फेल हो रहे थे। उनका मानना है कि बच्चे कभी फेल नहीं होते, सिस्टम है जो फेल होता है उनके लिए। तो उन्होंने इन बच्चों के लिए एक अल्टरनेटिव स्कूल शुरू किया। सोनम के इस नए स्कूल के एडमिशन का एक ही क्राइटेरिया था कि बच्चों को कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल स्कूल में फेल होना है और अगर वो पास हुए हैं तो शायद वेटिंग लिस्ट में उनका नाम चला जाएगा। ये अल्टरनेटिव स्कूल एक छोटे कंट्री की तरह फंक्शन करता है। इनका खुद का पार्लियामेंट है जो हर 2 महीने में चेंज होता है। हर 2 महीने में जो गोल सेट किए जाते हैं वो बच्चों को खुद से डिसीजन लेकर इम्प्लीमेंट करना होता है। अलग अलग मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं, फूड मिनिस्टर, एनर्जी मिनिस्टर, वाटर सप्लाई इत्यादि। इनका खुद का न्यूज़पेपर, कैंपस रेडियो और अपना टाइम जोन भी है। सोनम कहते हैं ये टाइम जोन ISTE के 1 घंटे आगे है, इससे बच्चे सनराइज से उठना और सनसेट के कुछ ही घंटों में सोना सीख जाएंगे। इसके साथ उनका ये भी मानना है कि अगर पूरी दुनिया ये फॉलो करे तो हम कितनी बिजली सेव कर सकते हैं। यहाँ बच्चों की पढ़ाई बुक से नहीं कामकाज से होती है। उदाहरण के तौर पे ये बच्चे जैम बना के बेचते हैं। जैम को ज़्यादा टाइम प्रिजर्व करने के लिए इन्हें केमिस्ट्री समझना है। जैम को बेचने के लिए मार्केटिंग और फाइनेंस, और बेचने के बाद कमाए हुए पैसों से बच्चे घूमने जाते हैं जिससे ये ज्योग्राफी सीखते हैं। ये स्कूल बनाया गया है सिंधु नदी के तट पे। यहाँ सारी बिल्डिंग्स मिट्टी से बनी है और इनका पूरा सेटअप केवल सोलर एनर्जी पे चलता है, कुकिंग, हीटिंग, पंपिंग वाटर सब। यहाँ पे दिन में दीवारें हीट एब्जॉर्ब करती हैं और रात को खिड़की बंद करने से इन दीवारों की हीट को अंदर रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। इससे जब बाहर का टेम्परेचर -15 डिग्री होता है तब भी रूम के अंदर का टेम्परेचर +15 डिग्री ही रहता है। एक बहुत बड़ा हिस्सा लेह का रेगिस्तान है। इनको ऊपर के ग्लेशियर्स मेल्ट होने से पानी मिलता है, इसलिए समर्स के टाइम पे पानी बहुत अवेलेबल होता है। लेकिन समर से पहले के महीनों में पानी की बड़ी किल्लत होती है थैंक्स टू ग्लोबल वार्मिंग। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी सोनम ने एक अनोखा आइडिया सोचा, आइस स्तूपा, जो बिना किसी मूविंग पार्ट्स, बिना इलेक्ट्रिसिटी या बड़े स्टोरेज फैसिलिटी के भी स्प्रिंग टाइम में पानी प्रोवाइड करता है। तो ये कैसे काम करता है आइए देखते हैं। लद्दाख हिली एरिया है तो यहाँ जो स्ट्रीम्स ऊपर के ऑल्टीट्यूड से आते हैं उनमें पाइप्स डाल के उन्हें नीचे तक लेकर आया जाता है। इन पाइप्स में वाटर नेचुरली फ्लो होगा ग्रेविटी से, और सर्दियों में जब बाहर का तापमान -10 से -20 डिग्री है तब पाइप्स में फ्लो ऑन किया जाता है। ऐसा करते ही पाइप से पानी बाहर आता है फुव्वारे की तरह और चारों ओर छिड़कने लगता है। अब क्योंकि बाहर का टेम्परेचर इतना कम है तो वो पानी इमीडिएटली आइस बन जाता है और रात भर लो टेम्परेचर में ये कोन ऑफ आइस के आकार में सेटल हो जाता है। कोन का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम है इसलिए ये दिन के सूरज की रोशनी से कम पिघलता है। ओके वेट, अगर टेम्परेचर इतना कम है कि पानी फ्रीज हो रहा है
तो ये पानी स्ट्रीम में और पाइप से कैसे फ्लो हो सकता है? अगर आपने ये सोचा है तो एक्सीलेंट, आज के स्टूडेंट ऑफ द डे हैं आप। एक्चुअली पानी की एक स्पेशल प्रॉपर्टी की वजह से स्ट्रीम्स में पानी के ऊपर की लेयर आइस बन जाती है, लेकिन नीचे पानी ही रहता है। इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हुए हमारा एक वीडियो है, डू वॉच आउट। तो बैक टू आइस तूपा। और जब स्प्रिंग का टाइम आता है तो ये कोन स्ट्रक्चर से पानी धीरे धीरे पिघलने लगता है और इस पानी को अलग अलग जगह यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर इरिगेशन और यूटिलिटी में इसे यूज़ करते हैं। ऑल्टरनेटिव स्कूल ने 5000 पेड़ लगाए और इन पेड़ों के लिए सारा पानी इस आइस तूपा से ही लिया गया। मार्च से जून के महीने में इस पानी का इस्तेमाल किया जाता है और समर्स में फिर ग्लेशियर से पानी आने लगता है। हर स्तूपा अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख लीटर तक का पानी स्टोर करता है। सोनम चाहते हैं कि ऐसे हजारों और आर्टिफिशियल स्तूपा और ग्लेशियर्स बनाए जाएं और इस रेगिस्तान को जंगल बनाएं, जिससे लोगों को हेल्प मिलेगी और ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट भी कम होगा। अगर ये हो पाया तो आइस एज के बाद ये पहली बार होगा जब टाइम के साथ ग्लेशियर्स की संख्या बढ़ रही हो। ये प्रोजेक्ट को नेशनल और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला। इनको सिक्किम के होनाक लेक, जो फ्लड प्रोन है, उस पे काम करने के लिए भी बुलाया गया और इन्होंने वहाँ साइफन टेक्निक यूज करके पानी को दूसरी जगह डाइवर्ट किया। साइफन टेक्निक, इस नाम से डरिए मत, ये वही टेक्निक है जिससे हम कार या बाइक से इमरजेंसी के टाइम पे पाइप के थ्रू पेट्रोल निकालते हैं। और इन्हें स्विट्जरलैंड ने भी बुलाया वहाँ के एल्प्स में आइस तूपा बनाने के लिए। ये शायद वो रेयर मोमेंट होगा जहाँ हम वेस्ट को अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं। और तो और, इस अल्टरनेटिव लर्निंग स्कूल में जो बच्चे पढ़े हैं उनमें से कई बच्चे आगे जाके आज बड़ी पोजीशंस में हैं। सुनम कहते हैं कि अगर हमारे फेलियर्स इतना सब कर सकते हैं तो हमारे सक्सेसफुल क्या क्या नहीं कर सकते। तो क्या है इनका गोल, अब जो इतना अचीव कर लिया है इन्होंने? इस पे सोनम सीरियस होके कहने लगे, सियाचिन ग्लेशियर जहाँ हमेशा तनाव लगा रहता है, एस्टिमेटेड है कि यहाँ मिलिट्री डिप्लॉय करने के लिए प्रतिदिन हम 5 करोड़ स्पेंड करते हैं। इनका ये सपना है कि दोनों देश अपने आपसी मसले को हल करें और ये 5 करोड़ रक्षा में नहीं शिक्षा में स्पेंड करें। ये दोनों देशों की तरक्की में हेल्प करेगा। और दूसरा उनका अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी, जिसके लिए उन्होंने अपने रोलेक्स अवार्ड का पूरा पैसा डोनेट कर दिया यूनिवर्सिटी डेवलप करने में। अगर आप इसके लिए डोनेट करना चाहते हैं तो लिंक नीचे है। And I wish Sonam Wangchu great success and a very happy Teacher's Day. Thanks for watching and keep learning, क्योंकि हम बेहतर तो कल बेहतर।